हेलो 3 and 5। रोज के नखरे को देखकर प्रिंस के बगल से खड़ा हुआ वो ह्यूमन कहता है, प्रिंस ये लड़की सच में कात हो चुकी होती है। और जैन अपने रूम पर बैठ के कहता है कि क्या वो सभी लोग सो गए हैं। इसके बाद हमें मीयूइंगिंग दिखाई जाती है जो कि अपनी रूम में धीरे से आंखें खोलती है और कहती है, ये लगभग कंप्लीट हो गया लिटिल ब्रदर, इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और एक बार जब मैं सक्सेसफुल होकर आपको बचा लूंगी तो हम वापस से अपने घर में लौट जाएंगे और यहाँ कभी भी कदम नहीं रखेंगे। जिसके बाद म्यूयिंग तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकल कर कहती है, एम्परर ड्यू ट्रिब्यूलेशन के लिए 3 दिन पर्याप्त होंगे। और इसके बाद म्यूयिंग अपने रूम से बाहर निकल कर तुरंत ही माउंटेन की तरफ चल देती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। और इसके बाद वो जोयान के घर की तरफ नजर डालती है जिसमें अभी भी रोशनियां चमचमा रही होती हैं। हालांकि म्यूयिंग तुरंत ही वहां से निकल जाती है और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि उसे अपने एम्परर ट्रिब्यूलेशन को पार करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए थी। तभी जोयान भी इस चीज को फील कर लेता और कहता है, तो आखिर वो जा रही है। और इसके बाद जोयान भी अपने रूम से तुरंत ही गायब हो जाता है और म्यूयिंग का पीछा करने लगता है। म्यूयिंग ने भी अपने फुटप्रिंट पीछे छोड़ दिए थे जो कि जानबूझकर ही था या अनजाने में, किसी को पता नहीं था। इसके बाद हमें एक माउंटेन रेंज दिखाया जाता है जो कि बर्निंग एसेस वैली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था क्योंकि वहां पे लोग साल साल भर रिट्रीट करते थे और अपने ट्रिबुलेशन को क्रॉस करते थे। साथ ही ये माउंटेन हेवन अर्थ और फ्यूफल तीनों ही हॉलो से काफी ज्यादा दूर था जो कि एक पहले ही सुरक्षित एरिया था। तभी म्यूयिंग एक जगह पर खड़ी होकर कहती है, ये जगह वास्तव में काफी अच्छी है। और इसके बाद वो एक तालाब को देखती है, वो तालाब काफी ज्यादा साफ सुथरा था इसीलिए म्यूयिंग वहां पे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो चलो अब यहाँ पर चलते हैं। और इसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकालती है और उसे तालाब में बिखेर देती है। म्यूयिंग के उस पाउडर से जो वो तालाब का पानी होता है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। हालांकि तभी म्यूयिंग अचानक ही कहती है कि क्या तुम यहाँ पर हो। और इसके बाद आसमान में देखती है तो एक ह्यूमन फिगर उसे दिखाई देती है जो कि जुआन होता है और वो उससे कहता है, तुम वास्तव में काफी ज्यादा जिद्दी हो। तभी म्यूइंगिंग कहती है कि हमें 3 दिन के अंदर ही इस ट्रेवलेशन को क्रॉस करना चाहिए। साथ ही इस टाइम पे म्यूइंगिंग का दिल काफी जोरों से धड़क रहा होता है क्योंकि जोयान यहाँ पर था और जोयान के साथ वो सच में काफी ज्यादा सिक्योर फील करती थी। तभी जोयान कहता है, 3 दिन ये तो काफी ज्यादा जल्दी है। जिसके बाद जोयान कहता है, मैंने भी इस ट्रेवलेशन को अब तक क्रॉस नहीं किया, मुझे भी नहीं पता ये कैसा होने वाला है। जिसमें म्यूइंगिंग कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानती हूँ कि आप काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मिस्टीरियस हैं और आपके पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी जुआन म्यूइंगिंग से कहता है कि आपको विश्वास है कि आप इतनी जल्दी से क्रॉस कर लेंगी। तभी म्यूइंगिंग जुआन से कहती है कि हमने एम्परर पॉन्ड की पावर को भी अब्सॉर्ब किया है जिसके कारण मुझे भरोसा है कि हमें इसे क्रॉस कर लेना चाहिए। जिसमें जुआन कहता है, ठीक है तो फिर मैं इंतजार करूंगा। जिसमें म्यूइंगिंग धन्यवाद कहती है तो जुआन उससे कहता है, क्या तुम्हें यकीन था कि मैं यहाँ आऊंगा। जिसपे इंगिंग कहती है, मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाती है। तभी जियान कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। जिसमें म्यूइंगिंग कहती है, यहाँ किसी को आने मत देना। तो जियान कहता है, ये छोटी बातें। और इसके बाद जोन तुरंत ही हवा में जाकर अपने डिवाइन इंक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है और हाथ में तुरंत ही पीले कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और एक स्क्रॉल जोन के हाथ में दिखाई देने लगता है। इस टाइम पे जोन एक एरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा होता है और देखते ही देखते वहां पे जोयान तुरंत ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है जो की काफी ज्यादा पावरफुल थी। और उस फॉर्मेशन के अंदर जोयान और इंगिंग होते हैं। ये फॉर्मेशन 6 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से निपटने के लिए पर्याप्त थी लेकिन 1 7 स्टार के लिए ये अभी भी काफी नहीं थी। ये देखकर दुआन कहता है, डू फॉर्मेशन ग्रेट मास्टर लेवल, मुझे लगता है अभी भी अपने पावर को मुझे बढ़ाना होगा और अपने स्पिरिचुअल पावर में थोड़ी और सुधार करने होंगे ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकूं। इस टाइम पे म्यूइंगिंग ने भी जोयान की इस पावर को सेंस कर लिया था जिसके कारण वो खुद से ही कहती है कि इस जोयान में सच में काफी सारे सीक्रेट्स हैं। तभी जोयान आसमान में खड़ा होकर कहता है, चलो शुरू करें, इस फॉर्मेशन के साथ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी हमें दूर एल्डर झूलाओ दिखाई देते हैं जो कि अपने कमरे में आंखें खोलते हैं और कहते हैं, ये लड़की फिर से शुरू हो गई, मुझे नहीं पता कि इसका यांची के साथ क्या रिलेशन है। और इसके बाद वो अपनी आंखों को वापस बंद करके फिर सो जाते हैं। इस टाइम पे म्यूइंगिंग अपने आप को कंट्रोल करके अपनी पावर को स्टेबल कर रही होती है और इसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं जिसके बाद वो सीधा ही जोयान को देखती है और थोड़ा अजीब सा फील कर रही होती है। तभी जुआन भी अचानक झुक कर म्यूइंगिंग की तरफ देखता है। हालांकि इस टाइम पे जुआन अपने उस फॉर्मेशन को क्रिएट किए हुए था जिसके कारण जुआन अपना ज्यादातर ध्यान उसी इंक्रिप्शन पे दे रहा था। जुआन यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेटल फॉर्मेशन मास्टर का यूज करने वाला था क्योंकि एल्डर झू ने जुआन को कहा था कि उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे कल्टीवेट करना है और इसके साथ फ्रेंडली होना है। साथ ही साथ जुआन ने जब इसका यूज किया तो वो देख सकता था कि वो आसपास के हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ उसके इस फॉर्मेशन में 6,000+ कोर इंक्रिप्शंस के साथ एक पूरा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था जो देखकर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान था। इस टाइम पे म्यूइंगिंग भी अपनी तैयारी में लग जाती है। म्यूइंगिंग जब यहाँ पे पहले आई थी तब वो पॉन्ड पूरी तरीके से साफ था लेकिन जैसे ही म्यूइंगिंग ने उसमें पाउडर मिलाया था तो उसका पानी थोड़ा सा कंदला और मतलब गंदा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ गया था। जिसके बाद म्यूइंगिंग तेजी से उसे तालाब के अंदर कूद जाती है।
और उससे पहले वो कहती है, यांग जिन ने मुझे दो चीजें दी थी जो कि सच में काफी ज्यादा काम की हैं। म्यूइंग जैसे ही पानी के अंदर कूदती है तो वो पूरी ही गीली हो जाती है और साथ ही साथ उसकी बॉडी से येलो कलर की लाइट भी रिलीज होने लगती है। तभी जो यान ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, वो देख सकता था कि पानी के अंदर म्यूइंग का सिर्फ सिर ही दिख रहा है, वो भी आधा। साथ ही साथ इस टाइम पे म्यूइंग जोयान को काफी ज्यादा अजीब लगती है, जो देखकर जोयान कहता है इसको समझना आसान नहीं है। तभी जोयान की होली फ्लेम जोयान से कहती है कि तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये नहीं पता कि इस पाउडर को जिसे इस महिला ने अभी अभी पॉन्ड में मिलाया है तुम नहीं जानते, आखिरकार ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। जिसके बाद वो बताता है हालांकि ये काफी ज्यादा प्रॉफिट वाला है लेकिन इसका यूज तभी किया जा सकता है जब आप अपनी होली फ्लेम पे काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइम पे तियानयान भी म्यूइंगिंग को ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो बताता है कि इस लड़की में काफी सारे सीक्रेट्स हैं, इन्हें आपको खुद ही सॉल्व करना होगा और ढूंढना होगा। जिसपे जॉन भी अपना सिर हिला देता है। जॉन अच्छी तरीके से जानता था कि होली फ्लेम को कंट्रोल करने में म्यूइंगिंग जॉन से ज्यादा बेटर है, भले ही जॉन एक एल्केमिस्ट क्यों ना हो। जहाँ होली फ्लेम की बात आती है तो जॉन अभी भी इसमें उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है। तभी वो दोनों देखते हैं कि म्यूइंगिंग ने अपनी एनर्जी को बाहर करके डाउडी ट्रिबुलेशन को क्रिएट किया है, जिसके कारण तियानयान जॉन को बताता है किसने अपनी एनर्जी और एक मिस्टीरियस एनर्जी के कारण इस ट्रिबुलेशन को क्रिएट किया है। जिसपे जॉन कहता है मिस्टीरियस एनर्जी, तो तियानयान जॉन को बताता है कि हाँ शायद ये ज्वालिंग एम्परर फॉन्ड की एनर्जी होनी चाहिए। जो देखकर जॉन कहता है मेरे बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी क्यों नहीं है। जो पे तियानयान जॉन को बताता है कि जब तुमने होली फ्लेम को स्वेलो किया था तब इसका यूज तुमने किया था, तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है वो। जिसके बाद वो जॉन को समझाता है कि होली फ्लेम को स्वेलो करना इतना इजी नहीं होता, इसके लिए काफी सारे हेवन और अर्थ के ट्रेजर का यूज करना पड़ता है। मेरी बात अलग थी कि तुमने मुझे स्वेलो कर लिया, ये तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड था, क्योंकि मैं अपने होली फ्लेम क्रिस्टल से अलग हो गया था और साथ ही साथ मेरे पास्ट के मास्टर ने मुझे तुम्हें दे दिया था, इसीलिए इतना आसान था, लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर जॉन भी रुक जाता है, क्योंकि जोयान को पता था तियानयान ने जो कुछ भी कहा है वो सही है। तभी जोयान सोचता है क्योंकि अगर वो सभी मेडिसिनल पिल्स और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर लेता है तो उसे रैंक 20 की हेवेनली फ्लेम सॉरी होली फ्लेम को भी स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी तियानयान जॉन की तरफ देखते हुए कहता है सावधान रहो, इस यंग लेडी के बॉडी को और धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया है, मतलब ट्रिबुलेशन अब दूर नहीं है। ये देखकर जॉन तुरंत ही चौंक जाता है और वो देख सकता था कि आसपास की जगह तुरंत ही सिकुड़ना शुरू हो गई है, जिसके कारण जॉन वहाँ पे पावरफुल ऑरा फील कर सकता था। जिसके बाद अचानक से ही धमाकों की आवाज आती है और जॉन वहाँ देख सकता था थंडर लाइटिंग, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और अपनी पावर के साथ भी जॉन इससे काफी ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पे हमें म्यूइंगिंग दिखाई जाती है जो कि अभी भी उस पानी के अंदर थी और उसकी बॉडी से येलो कलर की एनर्जी अभी भी रिलीज हो रही होती है, जो कि अभी भी थोड़ी ही बाकी थी। म्यूइंगिंग उसे ज्वालिंग एम्परर पॉन्ड की नेचुरल एनर्जी को फील कर सकती थी। इसके बाद हमें वापस से आसमान दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी गड़गड़ाहट और लाइटिंग दिखाई दे रही थी जो कि तुरंत ही गायब हो जाती है। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और इसके बाद जॉन तुरंत ही म्यूइंगिंग के ऊपर पहुंच जाता है। जॉन ने फील किया था कि इस लाइटिंग के कारण उसकी जो फॉर्मेशन है उस पे भी फ्लैक्चुएशन स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद जॉन म्यूइंगिंग को देखता है जो कि अपनी येलो कलर की एनर्जी को कंडेंस कर रही होती है, साथ ही साथ वो इस समय काफी प्राउडली देख रही होती है। तभी जॉन कहता है मैं इस फॉर्मेशन को टूटने नहीं दे सकता हूँ, वरना ये काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और इस टाइम पे जॉन म्यूइंगिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कोई ये जाने कि म्यूइंगिंग का फाउंडेशन क्या है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही पालथी मारकर बैठ जाता है और अपने कोर इंस्क्रिप्शन को तेजी से फ्लक्चुएट करने लगता है। हालांकि जॉन तुरंत ही कहता है कि ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, और इसके बाद जॉन जबरदस्ती अपनी एनर्जी को कंडेंस करके उस डिवाइन इंक्रिप्शन को फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण जॉन का जो वो फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे वापस से स्टेबल होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद उसमें जो 6000 कोर थे वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं और 6300, 6600, हालांकि अब तक जॉन को बहुत ज्यादा पसीना आने लगा था और वो फॉर्मेशन भी स्टेबल हो चुकी थी। इस टाइम पे वो बादल भी धीरे धीरे शांत हो गए थे और उन्होंने जॉन के इस फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया था। इसके बाद जॉन देख सकता था कि बादल अजीब तरीके से कंडेंस हो रहे हैं। तभी जॉन म्यूइंगिंग की तरफ देखते हुए कहता कि आखिरकार वो क्या कर रही है, जिसके बाद वो देख सकता था कि वो अभी भी बिना किसी मूवमेंट के उस पूल के अंदर ही थी। धीरे धीरे आज का दिन इसी तरीके से बीत जाता है और अब तक टीम कॉम्पिटिशन के लिए केवल 2 ही दिन बचे हुए थे, जिसके कारण फेंग जियान पवेलियन जो होता है वो काफी ज्यादा चहल पहल वाला होता है। तभी ओल्ड झूला उसे कोई कहता है कि ह्यूमन पैलेस के अंदर वो लिटिली उसकी पावर काफी ज्यादा है और अगर वो इस टीम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है तो हमारे फेंग जियान पवेलियन के लिए काफी अच्छा होगा, हमारे फेंग जियान पवेलियन के लिए गलत होगा। तभी एल्डर झू कहते हैं कि आज आप यहाँ पे कैसे आ गए, क्या ये आपकी बेटी के कारण नहीं है? मैंने सुना है कि हमारे ह्यूमन पैलेस के अंदर यान जियोग ने उसके साथ फाइट की थी। इस टाइम पे एल्डर झू जिससे बात कर रहे होते हैं वो लिटिल विच के फादर होते हैं और ये हॉल ऑफ अर्थ के लीडर या लॉर्ड रेमू सेंग होते हैं।
इसके बाद एल्डर जू कहते हैं कि आपकी लिटिल विच काफी ज्यादा घमंडी और दबंग है, आखिरकार उसे समझाने वाला भी कोई होना चाहिए। तभी लॉर्ड कहते हैं कि उसके पास उसकी माँ नहीं थी, इसीलिए मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी एल्डर जू कहते हैं, इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, आखिरकार ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली की गलती थी। तभी लॉर्ड कहते हैं कि एक बार इस टीम कॉम्पिटिशन के खत्म हो जाने के बाद मैं अपनी पोजिशन से रिजाइन कर दूंगा और इसके बाद मैं ज्वालिंग फैमिली को वो सभी कुछ चीजों का बदला लूंगा जो उन्होंने मेरे साथ की है। तभी एल्डर जू कहते हैं, ठीक है चलो इन बातों को दूर रखते हैं, ये आपकी और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच की बातें हैं। जब तक तुम मेरे बर्निंग एसेंस पवेलियन के मेंबर हो, तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। तभी लिटिल विच के फादर लॉर्ड भी कहते हैं, चलिए ठीक है इसे भूल जाते हैं, आज की बात लिटिली के बारे में है, क्या वो एक फायर एल्फ नहीं है? और इसके बाद वो हंसने लगते हैं। तभी एल्डर झूलाओ भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन अगर लिटिली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर ह्यूमन पैलेस के पास केवल 4 ही लोग होंगे और 4 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिस पे लॉर्ड कहते हैं, मुझे लगता था कि आप ऐसा कुछ कहेंगे। और जू, क्या आप लिंग सुआन के बारे में भूल गए हो? तभी एल्डर जू कहते हैं, अर्थ पैलेस के लोग और ह्यूमन पैलेस के लोग एक टीम बनाएं, ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। आखिरकार हॉल ऑफ अर्थ के लोग हॉल ऑफ ह्यूमन के लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर लॉर्ड कहते हैं, आप चिंता ना करें, मैं इसके लिए सब कुछ तय कर लूंगा। जिस पर एल्डर जू कहते हैं कि क्या ये सब तुम अपनी बेटी के लिए कर रहे हो? जिस पर लॉर्ड कहता है, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है और मुझे इसकी माँ का बदला लेना है, इसीलिए इसे अब फ्री रहना सीखना होगा। और ऐसा कहते हुए लॉर्ड काफी ज्यादा सीरियस भी होते हैं। जिस पर एल्डर जू कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। जिस पर लॉर्ड कहते हैं, ठीक है, और इसके बाद वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद एल्डर जू कहते हैं, लॉर्ड और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच में एक लड़ाई होनी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जोयान दिखाया जाता है, जो कि उन क्लाउड्स पे होने वाली लाइटिंग को देखकर कहता है, ये उतनी ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरी रिपिल लाइटिंग से भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि जो जैसे क्लाउड की तरफ देख रहा था कि म्यू यिंगयिंग भी अचानक से पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है। इस टाइम पे उसकी बॉडी के ऊपर जो येलो कलर की लाइट थी, वो भी लिक्विड की 10 ड्रॉप्स में चेंज हो चुकी थी और उनके अंदर काफी ज्यादा पावर थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि अब डाउडी ट्रेबुलेशन स्टार्ट होने वाला है और म्यू यिंगयिंग आसमान को ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो काफी ज्यादा प्राउड हो इस ट्रेबुलेशन को देखने के बाद। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा प्राउडफुल और कमिटमेंट को भी दिखा रही होती है। म्यू यिंगयिंग क्लाउड के अंदर चमकने वाली लाइटिंग को देखती है और इस टाइम पे उसका ऑरा पहले ही 5 स्टार डाउडी लेवल के पीक पर पहुंच चुका था और 6 स्टार पर वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी। तभी जॉन कहता है कि तुम इस ट्रेबुलेशन को पार कर सकती हो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पे जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर और होली फ्लेम की पावर के साथ अपने डिवाइन इंक्रिप्शन को पूरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जिसके कारण आसपास का जो जॉन का हिडन फॉर्मेशन होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। तभी म्यू यिंगयिंग जुआन की तरफ देखते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद म्यू यिंगयिंग अपने हाथ में उन 10 एनर्जी ड्रॉप्स को पकड़ लेती है और आसपास की जगह को फील करके कहती है, क्या ये डू डी जी है? हालांकि म्यू यिंगयिंग को वो फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अपनी होली फ्लेम की हेल्प से और साथ ही साथ अपनी धारणा से वो आसपास की चीजों को फील कर सकती थी और उसे पता था कि जुआन ने इस जगह को किसी पावर के साथ सील कर दिया है। हालांकि म्यू यिंगयिंग इंसानों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती थी, अगर ह्यूमन पैलेस के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों से इतनी नफरत काहे करती है भाई, इसके साथ कुछ हुआ था का? इस टाइम पे बादल काफी यार बुरी तरीके से गड़गड़ाने लगते हैं और लाइटिंग भी चमकने लगती है। तभी म्यू यिंगयिंग भी ऊपर देखते हुए कहती है, मुझे याद है एल्डर ब्रदर डू लिंग क्विंग, आपने इसका विरोध करने के लिए अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर पर टेस्ट किया था। और इसके बाद वो थोड़ा सा सैड होती है और तेजी से बोल धीरे से कहती है, भैया, हालांकि आवाज तो बहुत छोटी थी लेकिन ये जियोयान से नहीं बच पाई थी, क्योंकि आसपास जियोयान की एक फॉर्मेशन क्रिएट थी जिसके कारण अंदर की कोई भी चीज में कोई भी गड़बड़ी जियोन तुरंत ही डिटेक्ट कर सकता था और यही रीजन था कि जियोन ने इसे गलती से ही फील कर लिया था। जो देखकर जियोन कहता है कि सच में म्यू यिंगयिंग का फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद जॉन कहता है, मुझे नहीं पता कि इसका ब्रदर कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर उसने अपनी पावर के साथ 6 स्टार डाउडी एम्परर ट्रेबुलेशन को क्रॉस किया था तो वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी म्यू यिंगयिंग तुरंत ही एक एनर्जी ड्रॉप को अब्सॉर्ब कर लेती है और आसपास के बादल भी तुरंत ही उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस टाइम पे म्यू यिंगयिंग की बॉडी से ब्लू कलर की फ्लेम और डुई क्विक काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लगी थी। तभी जियोयान कहता है कि ये पागल है, उसने म्यू यिंगयिंग को देखा था, साथ ही साथ उसने क्लाउड को भी देखा जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग थी और अगर लाइटिंग हुई तो जियोयान को पता था कि ये उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी तियानयान भी जियोयान की बॉडी के अंदर से कहता है, अब इसके ऊपर ट्रेबुलेशन स्टार्ट हो चुका है और इसने उसे ट्रिगर करने के लिए अपनी फाइटिंग स्पिरिट का यूज किया है। जैसे ही जियोयान ट्रेबुलेशन सुनता है तो तुरंत ही दंग रह जाता है। जिसके बाद तियानयान जियोयान को कहता है कि मास्टर, मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन फाइटिंग एम्परर के कल्टीवेशन को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज 6 स्टार डाउडी एम्परर ट्रेबुलेशन,
फाइव स्टार तक पहुंचने के बाद आप एक बैरियर फील करते हैं और उसके बाद आप जब तक ट्रेबुलेशन को क्रॉस नहीं करते आप सिक्स स्टार में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। जब आप उसे क्रॉस कर लेंगे तब आपकी बॉडी के अंदर लाइफ और डेथ की पावर आएगी जो कि 9 ग्रेड में डिवाइड है, जिसमें से पहला ग्रेड लो और 9वां ग्रेड हाई है, जिसके बाद वो जुआन को बताता है कि इस ट्रेबुलेशन को क्रॉस करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। उसकी बात को सुनकर जुआन थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था लाइफ और डेथ की पावर 6 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के पास सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है, जिसके कारण उसके पास नॉर्मल फाइटिंग क्वी से काफी ज्यादा पावर होती है। हालांकि तभी तियान यान जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि आपकी फ्रेम में जो फाइटिंग क्वी है वो लाइफ पावर की क्वी से वीक बिल्कुल भी नहीं लगती। तभी भी जुआन कहता है कि हाँ, हालांकि ये अभी भी सीक्रेट है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद जुआन कहता है ये तो फर्स्ट ट्रेबुलेशन हुआ, बाकी के 2 ट्रेबुलेशन क्या हैं? तभी तियान यान कहता है डाउडी में 3 ट्रेबुलेशन हैं, जिसमें से पहला ट्रेबुलेशन जब इतना खतरनाक है तो बाकी के 2 तो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। जिसके बाद तियान यान जुआन को बताता है कि फर्स्ट ट्रेबुलेशन को क्रॉस करने के बाद आप 8 स्टार और 9 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच सकते हैं, और ये 8 स्टार और 9 स्टार के बीच में होता है जिसे डाउडी डेथ ट्रेबुलेशन कहते हैं, और आप जब इसे क्रॉस कर लेते हैं तो आप 9 स्टार में अपग्रेड हो जाते हैं। हालांकि ये और भी ज्यादा कठिन होता है। जिसके बाद लास्ट की बात आती है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और ये ऐसा स्टेप है जहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े लोग भी आकर रुक जाते हैं, जिसे डाउ एम्परर लाइफ एंड डेथ कहते हैं, और इसे क्रॉस कर लेने के बाद आप डाउ जियान लेवल पर कदम रखते हैं और आपकी बॉडी के अंदर लाइफ और डेथ की पावर पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाती है। उसकी बात को सुनकर जुआन तुरंत ही स्टार्ट करता है 6 स्टार डाउडी ट्रेबुलेशन, 8 स्टार डाउडी डेथ ट्रेबुलेशन, 2 एम्परर पी ट्रेबुलेशन। तभी तियान यान कहता है मास्टर आपको अभी भी लॉन्ग ब्रिथ तय करना है, ये अभी भी लंबा रास्ता है। हालांकि जुआन के पास जब तक फ्रेम मंत्रा था तियान यान जुआन की स्ट्रेंथ को कम कभी भी नहीं कह सकता था। तभी जुआन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि डाउ एम्परर की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बोझ वाली होगी। हालांकि तभी क्लाउड का कलर अचानक से चेंज होने लगता है, जो देखकर जुआन को तियान यान अलर्ट करता है। तभी जुआन कहता है इतनी पावरफुल लाइटिंग, जुआन ने इस लाइटिंग को अभी अभी देखा था। जुआन देख सकता था कि गड़गड़ाहट के साथ आसमान में 5 कलर के लाइटिंग्स दिख रहे हैं। हालांकि तभी जुआन म्यूइंगिंग की तरफ देखता है, जिसकी बॉडी से ब्लू कलर की फ्लेम रिलीज हो रही थी और धीरे धीरे उसके चारों तरफ आसमान के ऊपर फैल रही होती है। अब तक क्लाउड का कलर भी ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक हो गया है। तभी म्यूइंगिंग भी उन क्लाउड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ, और इसके बाद स्माइल कर देती है क्योंकि उसे पता था क्लाउड के रंग जितने ज्यादा होंगे ट्रिब्यूलेशन के बाद उसकी पावर भी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी, और उसकी बॉडी में क्रिएट होने वाली लाइफ पावर भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। तभी जुआन देखता है 6 कलर के क्लाउड, क्या ये अभी भी नहीं रुकेगी? जिसके बाद जुआन कहता है प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ तो मैं भी इसे नहीं संभाल पाऊंगा। हालांकि जो यान और म्यूइंगिंग के बीच में जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा असामान्य थे, इसीलिए जुआन म्यूइंगिंग को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। साथ ही साथ उसे पता था कि म्यूइंगिंग की बॉडी में जो होली फ्लेम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि जुआन ने फील किया था कि उसकी फ्लेम सील है, फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकती है कि उसके फायर हार्ट तियान जो कि रैंक 35 की फ्लेम है वो भी इस चीज को फील करके शांत हो सकती है। तो उसे पता था कि ये फ्लेम कोई मामूली तो नहीं होने वाली। इस टाइम पे जुआन उन 6 कलर के क्लाउड को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे पता था कि इनकी पावर से म्यूइंगिंग काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो सकती है। साथ ही साथ जुआन की ये फॉर्मेशन भी इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगी। हालांकि तभी उसे म्यूइंगिंग की आवाज आती है कि ये 6 कलर के क्लाउड अभी भी काफी नहीं है, और इसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही ब्लू कलर की फ्लेम रिलीज होती है जो कि सीधा ही उसके हाथ से होते हुए आसमान में बादलों की तरफ जाने लगती है। ये देखकर बादल तुरंत ही 7th कलर को अपेयर करते हैं। तभी तियान यान कहता है कि अगर ये लेडी ऐसे ही कंटिन्यू रखेगी तो इसकी लाइफ पावर शायद रैंक 7 की होगी, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक वेपन की तरह ये यूज कर सकती है। लाइफ पावर को 1 से 9 में डिवाइड किया गया है, समझे? याद होगा आपको, पहले बताया था मैंने, और इसकी रैंक 7 की होगी अगर ये इसे पार कर लेती है तो। तभी जुआन कहता है कि क्या म्यूइंगिंग पागल है? इसके बाद वो म्यूइंगिंग को देखता है तो वो पसीने में तरबतर होती है, और साथ ही साथ उसकी खूबसूरत आंखें काफी ज्यादा प्राउडफुल तरीके से आसमान को देख रही होती है। इस टाइम पे म्यूइंगिंग ने फील कर लिया था कि ये 7th कलर उसकी लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद म्यूइंगिंग जुआन की तरफ देखती है और जुआन को याद करने लगती है कि उसने उसकी कैसे कैसे हेल्प की थी, चाहे वो जुआलिंग एम्परर पॉन्ड हो या टिनसैन वन हो। और इसके बाद तुरंत ही वो अपने दांतों को बंद करती है और अपनी ब्लू कलर की फ्लेम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। तभी 7 कलर के क्लाउड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पावरफुल लाइटिंग से पटना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। 8 कलर के क्लाउड को देखकर म्यूइंगिंग भी काफी ज्यादा शांत दिखाई देती है, और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है होली फ्लेम क्रिस्टल बाहर आओ, जिसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही एक ब्लू कलर का क्रिस्टल निकल के आ जाता है।
उस क्रिस्टल के अपेयर होते ही जॉन फील कर सकता था कि आसपास का जो जगह है काफी ज्यादा वाइल्ड हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो एट कलर के क्लाउड की पावर और दूसरी तरफ ये होली फ्लेम क्रिस्टल की पावर और बीच में जियो यान। जियोन पूरी पावर के साथ अपने इनक्रिप्शन को फिर घुलमाना और फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करता है। अब तक जियोन की फॉर्मेशन के पूरे कोर इनक्रिप्शन 6900 तक कंडेंस हो गए थे। उस होली फ्लेम क्रिस्टल से तुरंत ही ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है, जो कि सीधा ही म्यूइंगिंग को पूरी तरीके से घेर लेती है। और इसके बाद म्यूइंगिंग तुरंत ही एक स्माइल के साथ एट कलर के क्लाउड को देखती है, तो उनसे एक लाइटिंग तुरंत ही चार्ज होती है जो कि एट कलर की होती है और सीधा ही म्यूइंगिंग की तरफ बढ़ जाती है। उस लाइटिंग को आते देख कर म्यूइंगिंग तुरंत ही होली फ्लेम क्रिस्टल को ऊपर अपेयर करती है, जिसके बाद वो लाइटिंग जो कि अभी 5 फीट ऊपर ही आई थी अचानक से रुक जाती है और उसकी पावर के साथ वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। जिसके बाद होली फ्लेम क्रिस्टल से एक फ्लेम निकलती है और तुरंत ही उस लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी जॉन भी कुछ दूर तक पीछे हट जाता है और कहता है, होली फ्लेम क्रिस्टल और इस फ्लेम पे म्यूइंगिंग का कंट्रोल कितना ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे क्लाउड जैसे उस लाइटिंग को डिस्ट्रॉय होता देखते हैं तो वो तुरंत ही काफी नाराज होकर फिर से एक अटैक को चार्ज करते हैं, जिसके बाद 3 8 कलर की लाइटिंग तुरंत ही म्यूइंगिंग की तरफ बढ़ जाती है। तभी म्यूइंगिंग कहती है, मेरे पास एक होली फ्लेम है, इसके लिए ये प्रॉब्लम मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, भले ही उसकी होली फ्लेम अभी सील क्यों ना हो। इस टाइम पे कोई भी देख सकता था कि इस लाइटिंग को म्यूइंगिंग कितनी ज्यादा इजी तरीके से डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। हालांकि तभी वो क्लाउड अचानक से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और इसके बाद वो एक साथ मिलकर एक लाइटिंग बीस्ट को क्रिएट कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तभी तियानयान जियोयान को बताता है कि लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन अपने आप को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है और ये आप पर किसी भी तरीके से प्रेशर बना सकता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो लाइटिंग पावर वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक गोल्डन एनर्जी से उस बीस्ट की तरफ अटैक करती है। वो भी इसलिए काफी ज्यादा कम हो गई और वो नाराज इसीलिए है। इसीलिए जॉन कहता है कि मुझे उम्मीद है ज्वालिंग एम्परर फ्रंट के मिस्टीरियस एनर्जी इस ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करने में उसकी काफी हेल्प करेगी। हालांकि तभी वो बीच म्यूइंगिंग की तरफ तुरंत ही एक लाइटिंग से अटैक करती है, जिसे म्यूइंगिंग तुरंत ही डॉच कर लेती है। हालांकि वो बीच जिसका नाम जीलिंग था अभी भी नहीं रुकती और तुरंत ही म्यूइंगिंग के ऊपर एक और अटैक करती है, जो कि उसकी पूरी पावर का एक अटैक होता है। इस टाइम पे वो अपने दोनों हाथों से अटैक कर रही होती है और साथ ही साथ उसके दोनों हाथों के कारण उसके सामने जो एक बॉल होती है वो भी तेजी से क्रिएट होने लगती है, जो कि लाइटिंग बॉल होती है। उस लाइटिंग बॉल के ऊपर चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी चार्ज हो रही होती है। हालांकि म्यूइंगिंग उस अटैक को देखकर अभी भी शांत खड़ी हुई थी। म्यूइंगिंग को पता था कि अगर ये अटैक उससे टकरा गया तो वो काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो सकती है, इसीलिए म्यूइंगिंग इस टाइम पे काफी ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही थी। तभी वो लाइटिंग बीस्ट जीलिंग तुरंत ही कहती है, जाओ, और इसके बाद उस बॉल से तुरंत ही यिंगिंग की तरफ अटैक कर देती है। उस अटैक के फ्लक्चुएशन ने जियोयान को भी हिलाकर रख दिया था। तभी तियानयान कहता है, आपको उसे कम नहीं समझना चाहिए, आखिरकार उसके पास एक होली फ्लेम है, आपको थोड़ा देर वेट करना चाहिए, क्योंकि तियानयान खुद होली फ्लेम था इसीलिए उसे ही पता था कि होली फ्लेम की पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। वो लाइटिंग अटैक जैसे ही म्यूइंगिंग को लगने ही वाला था कि तभी तियानयान कहता है कि इसे अपनी होली फ्लेम की पावर को यूज करना चाहिए। यहाँ पे म्यूइंगिंग कहती है, उस लाइटिंग अटैक को देखकर मैंने सोचा था कि तुम खतरनाक होगी, लेकिन तुम इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो। और इसके बाद तुरंत ही स्माइल करती है और उसकी आंखें अचानक ही काफी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग को रिलीज करती हैं, जिसके कारण उसकी आंखें तुरंत ही ब्लू कलर की हो जाती हैं और उसमें काफी ज्यादा पावरफुल फ्लेम को भी देखा जा सकता था। जिसके बाद म्यूइंगिंग अचानक से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है, जिसके बाद उसके होली फ्लेम क्रिस्टल से एक छोटी सी ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है और इसके बाद वो फ्लेम तुरंत ही म्यूइंगिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही साथ वो लाइटिंग बॉल भी तुरंत ही जमकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब जीलिंग ये देखती है कि म्यूइंगिंग पूरी तरीके से चेंज हो गई है तो वो अचानक से चौंकती है और इसके बाद तुरंत ही म्यूइंगिंग की तरफ बढ़ने लगती है। इस टाइम पे वो बीस्ट म्यूइंगिंग की तरफ बढ़ रहा था और खुद भी सेल्फ डिस्ट्रेक्शन करके उसे भी इससे बाहर करने की सोच रहा होता है, मतलब म्यूइंगिंग को बाहर करने की सोच रहा होता है। तभी म्यूइंगिंग कहती है, तुम सच में ट्रिब्यूलेशन किंग होने के लायक हो। और इसके बाद वो अपनी आंखों को खोलकर अपनी ब्लू आईज से तुरंत ही उस बीस्ट की तरफ देखती है और उसके देखते ही वो बीस्ट तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और इसके बाद वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद म्यूइंगिंग कहती है कि खतरा टल गया और इसके बाद वो अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को वापस से अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। जैसे ही वो क्रिस्टल उसके बॉडी के अंदर जाता है तो अचानक से म्यूइंगिंग की आंखें वापस से ब्लैक हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर भी दिखाई दे रही थी और उसकी सांसें भी काफी ज्यादा वीक चल रही थी। तभी जियोयान भी कहता है, आखिरकार म्यूइंगिंग के अंदर ऐसा क्या मिस्टीरियस है, इस ब्लू कलर की फ्लेम ने मुझे काफी बुरी तरीके से हिला के रख दिया है और ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ उस रैंक 6 के डाउडी लेवल के बीस्ट को भी इसने तुरंत ही
फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने वाला था। इस टाइम पे जो यान ने म्यू यिंगिंग के ट्रेबुलेशन को देखा था। हालांकि जो यान तुरंत ही कहता है कि जब म्यू यिंगिंग के पास इतनी ज्यादा पावर है तो वो भला बर्निंग एसेंस वैली में क्यों आई है, क्या ये थोड़ा गलत नहीं लगता। हालांकि जोयान के अंदर ये भी क्वेश्चन था कि ब्लू कलर की आइस वाली म्यू यिंगिंग और ब्लैक कलर की आई वाली म्यू यिंगिंग दो अलग लोग हैं, जिसके बाद जोयान कहता है कि लगता है जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सीक्रेट है म्यू यिंगिंग के पास। जिसके बाद वो तुरंत ही म्यू यिंगिंग के पास जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने इस ट्रेवुलेशन को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। तभी म्यू यिंगिंग जैसे ही जोयान को देखती है तो कहती है मैं ठीक हूँ, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को गैदर करती है और तुरंत ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाती है। इस टाइम पे वो बहुत खास भी रही थी और उसकी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी जोयान अपनी स्टोरेज रिंग से कोई मेडिसिनल पिल निकालता है और उसे कहता है इसे लो, जिसपे म्यू यिंगिंग भी तुरंत उस पिल को ले लेती है और तुरंत ही अपने अंदर स्वेलो करके धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर उसे फील कर सकती थी कि उसकी रिकवरी तेज हो रही है और उसकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होता जा रहा है। इसके बाद जुआन कहता है हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि इसका इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना इसका इस्तेमाल करने से पहले। हालांकि जुआन को यह नहीं जानना था कि यह क्या था, लेकिन वो बस इंगिंग की केयर करता था इसीलिए उसने ऐसा कहा था। तभी इंगिंग भी कहती है ठीक है चलिए चलते हैं, टीम कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होने वाला होगा। और इसके बाद इंगिंग तुरंत ही खड़ी हो जाती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसके बाद वो तुरंत ही उस तरफ की तरफ चलने लगते हैं जहाँ पे बर्निंग एसेंस वैली थी, या कि पवेलियन था। तो चलिए इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो इस एपिसोड पे भर भर के लाइक करिए और 1K तक पहुँचा दीजिए, जो कि आपका टारगेट होने वाला है, और हो जाएगा तो वीडियो भी जल्दी आएगी। इससे बाद आएगा रिवर्थ का, इसके बाद आएगा आपका फ्लेम एम्परर का। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय बाय 3N फैमिली।